भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ पिछले दो तीन महीनों से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री जी कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है हमारा, ऐसे हमारे ऊपर आरोप कर रहे थे। लेकिन माननीय राज्यपाल जी जो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दिए थे उसके खिलाफ भी भड़का रहे थे मुख्यमंत्री जी खुद, लेकिन आज राज्य के उच्च न्यायालय कर्नाटक हाईकोर्ट आज के जजमेंट में क्लियरली बताया है जो भी राज्यपाल ने निर्णय लिया है वो पूरा सही है। तो मुख्यमंत्री जी को ये जजमेंट को मानते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी आरोप किए थे भ्रष्टाचार के मामले में सिद्धरामैया के खिलाफ, आज जजमेंट मिल चुका है, हमको जीत मिल चुका है, आगे भी हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। डेफिनेटली हम लोग सीनियर लीडर्स के साथ बैठ के हम लोग आगे क्या करना है इसके बारे में हम निर्णय लेंगे। दैट कोर्ट विल डिसाइड ऑन हाउ टू क्या करना है उसके बारे में डिसाइड करते हैं। नहीं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोअर कोर्ट भी आदेश क्लियर कट होगा, इन्वेस्टिगेशन किसको करना है वो हाईकोर्ट निर्णय लेंगे। नहीं, हम लोग जैसे मैं बताया हम लोग सीनियर लीडर्स के साथ बैठ के आगे हमारा रणनीति क्या रहना चाहिए हम लोग डिस्कस करके बाद में निर्णय लेंगे।